मैलसी में थाना तब्बा सुल्तानपुर के हदूद में चचा भतीजे के दरमियान जमीन का तनाजे पर भतीजे सदुद्दीन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चचा आलमदार शाह ने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उसकी 12 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ, उसका मकान भी मिसमार कर दिया। मुतासर शख्स का कहना है कि आलमदार शाह को सियासी पुश्त पनाही हासिल होने की वजह से मेरी किसी भी स्टेशन पर सुनवाई नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। इन गुंडा अनासर के खिलाफ कार्रवाई कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ऐसे जो थाना टब्बा सुल्तानपुर रहमत अली मिर्जा उनके साथ साजबाज है और गुज़श्ता दिनों में भी उनके साथ साजबाज होकर मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया था। ऐसे जो रहमत अली मिर्जा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है और थाना टब्बा सुल्तानपुर की हदूद में ऐसे मुतअद्दिद वाकयात सामने आ चुके हैं जबकि पुलिस की जानिब से ताहल कोई कार्रवाई ना हो सकी। जबकि दूसरी जानिब मौकफ जानने पर मुतासर शख्स के चचा आलमदार शाह का कहना है कि भतीजे सदुद्दीन शाह का घर उनकी मलकियत है और अपना घर खुद तोड़कर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुतासर शख्स की दरख्वास्त पर पुलिस थाना टब्बा सुल्तानपुर ने मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टीज को कई बार थाने बुलाया गया लेकिन कोई हाजिर ना हुआ। पुलिस के मुताबिक बार तलब करने पर पार्टियों का ना एसएचओ थाना टब्बा सुल्तानपुर की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट में राशिद मंजूर, नुमाइंदा बोलो टीवी ग्रीस, मेलसी।